तीसवीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आज हमीरपुर के सिंथेटिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रबंधन और खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता उस समय देखने को मिली जब उद्घाटन परेड के लिए धावक समय पर मैदान में नहीं पहुंचे और मुख्य अतिथि को लंबा इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, बहुत से खिलाड़ियों ने उद्घाटन परेड में भाग लेने की जहमत तक नहीं उठाई। मन संचालक द्वारा बार बार घोषणा करने के बावजूद बहुत से खिलाड़ी अपने बिस्तर से नहीं उठे। खिलाड़ियों की अनुशासनहीनता का आलम यह था कि ट्रैक पर परेड के लिए बुलाए जाने के बावजूद भी कुछ खिलाड़ी स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठे रहे और उन्होंने परेड में हिस्सा नहीं लिया। पूछे जाने के बावजूद खिलाड़ियों ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मुख्य अतिथि खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का उपदेश दे रहे थे और कुछ अनुशासनहीन खिलाड़ी स्टेडियम और उसके साथ बने हॉल में गपशप करने में व्यस्त थे। हैरत की बात यह भी है कि कई जिलों के टीम लीडर भी अपनी टीमों को अनुशासित करने में नाकाम ही दिखे। उधर परेड के लिए बुलाया गया बैंड उस समय पहुंचा जब परेड खत्म हो चुकी थी और परेड बिना बैंड और संगीत की धुन के ही पूरी की गई। इस राज्य स्तरीय स्पर्धा में विभिन्न जिलों से लगभग 450 युवा भाग ले रहे हैं, जिसमें 290 के लगभग लड़के व 140 के लगभग 140 व 150 के लगभग लड़कियां भाग ले रही हैं। तो बेटी है अनमोल, इस स्लोगन को का सम्मान रखने के लिए जो लड़कियों का पार्टिसिपेशन है उसके लिए जोरदार तालियां। अब मैं Thank you.